हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो आंसर होगा आपका चार। डी इज द राइट आंसर, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आंसर होगा आपका देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण ने संज्ञा के कितने भेद बताए, व्याकरण ने संज्ञा के कितने भेद बताए, तो आंसर हो जाएगा आपका पांच, पांच भेद बताए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। तो जातिवाचक क्या होगा आपका, गंगा। गंगा क्या है आपका, सॉरी घोड़ा, सॉरी घोड़ा 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 घोड़ा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली पूछा गया तो हरियाली क्या है, तो हरियाली आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या नहीं है, और फिर की ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधु तत्व किस प्रकार की संज्ञा, बंधु तत्व किस प्रकार की संज्ञा, आंसर होगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा में किसका रूप है, पूर्व दिशा में किसका रूप है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, जाति वाचक संज्ञा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी कौन सी संज्ञा, घी कौन सी संज्ञा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द्रव्य वाचक संज्ञा, यानी कि मैटेरियल्स नाउन की बात की गई है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय सिंह ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है बताइए, तो आंसर रहेगा आपका हृदय से, हृदय से, सी इज द राइट आंसर, कर्ता कारक कौन, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह वाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, आंसर होगा अंगूर, अंगूर समूह का है, अंगूर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक भाववाचक जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होता है, व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात कही, दैनिक जागरण धूल धुलाई तूफान, ठीक है, दैनिक जागरण धुलाई तूफान, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रांत एवं अक्रांत संज्ञाएं, ठीक है, अक्रांत एवं आक्रांत संज्ञाएं होती है, आंसर होगा आपका पुलिंग, पुलिंग, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संबोधन, संबोधन, संबोधन किया गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका चिड़िया, चिड़िया, ए इज द राइट, चिड़िया, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही सब, दही क्या है, तो दही आपका देखिए स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या स्त्री, दही, दही खाई जाती, दही खाई जाती, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता हाथ से मारती, इस वाक्य में कौन सा कारण, गीता हाथ से मारती है, तो आंसर हो जाएगा करण, करण है आपका, करण कारण है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, आंसर हो जाएगा के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा कार, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कार, आंसर हो जाएगा आपका संबंध कारक, बी इज द राइट आंसर, ये संबंध बचा रहे हैं। ये आपके 20 का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एवरीथिंग।